क्योंकि मैं जानू मेरा राम जानता। अरे मत ना करो मखोल मेरा। एक फूल बेचने वाली ने दिया नरम कालजा खोल मेरा। मैं जानू मेरा राम जानता, मत ना करो मखोल मेरा। फूल बेचने वाली ने दिया नरम कालजा खोल मेरा। फूल बेचने वाली ने दिया नरम कालजा खोल मेरा। जिनका यहाँ पर कैमरा लगा है और हिंदुस्तान के कोने कोने तक जो ये कार्यक्रम पहुंचाएंगे, राज कैसेट आदरणीय हमारे अंकल जी बुल्ली शाह जी, 101 रुपए का सम्मान इस रांगणी पर एक बार ताली मार दो, जोरदार ताली एक बार आपकी तरफ से। मखमल की चोली के ऊपर रेशम की साड़ी थी। मखमल की चोली के ऊपर रेशम की साड़ी थी। अरे भूरा भूरा कात हूर का आधी भुजा उघाड़ी थी। भूरा भूरा कात हूर का आधी भुजा उघाड़ी थी। खटके वाली छतरी के माँ छोटी छोटी सुवासी मुंह बटवेसा कैसी फुलवाड़ी थी। सुवासी मुंह बटवेसा कैसी फुलवाड़ी थी। अरे हाक मार के न्यू बोली हो, हाक मार के न्यू बोली बिल्कुल सोनू भाटी कुलीपुरा वाले 101 रुपए का सम्मान इस रागनी पर दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। बढ़िया लग रही हो तो एक बार तालियों से आशीर्वाद। सुना दूसरी बात में लगी तो झोले की उठी छल्ला घड़ी वैसन अदा दिखाली झोले की। उठी छल्ला घड़ी वैसन अदा दिखाली झोले की। अरे गर्दन ऊपर कैसे पड़े जैसे पार्वती हो भोले की। पतली पतली फूल झड़ी जन गोरी रुके रोले की। पतली पतली फूल झड़ी अरे रूप देख के पागल हो गया हो। रूप देख के पागल हो गया बंद हो गया था बोल मेरा। फूल बेचने वाली ने दिया नरम काल का चोर मेरा। फूल बेचने वाली ने दिया नरम काल का चोर। ये भी कहना है, सुनो ये कहना है क्या, वो किसी और से मिल के आ रहे हैं। वो किसी और से मिल के आ रहे हैं। फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम इतना प्यार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम इतना प्यार कर रहे हैं।
रूपवती था नाम हूर का ठौर ठिकाना भूल गया। गली मोहल्ला कोठी नंबर पता पूछना भूल गया। गली मोहल्ला कोठी नंबर पता पूछना भूल गया। अरे याद भतेरी आवे से पर दुख बदलाना भूल गया। उस गोरी का प्रेम सतावे पीड़ा खाना भूल गया। हो हो उस गोरी का प्रेम सतावे पीड़ा खाना भूल गया। अरे उस गोरी की आस मारगी हो, उस गोरी की आस मारगी हो क्या बिस्तर गोल मेरा भूल बेचने वाली नदिया नरम काल जा छोड़ मेरा भूल बेचने वाली नदिया नरम काल जा छोड़ बचना नामुमकिन है, लेकिन वो धर्म के अंदर रमा हुआ वो इंसान चौड़ी छाती कर कर कहता है कि तुम्हारे साथ पुश्ते आ जाए, अगर मेरा धर्म परिवर्तन करवा जाए तो मैं अपनी माँ का जाया लाल नहीं हूं। और कहता है कि क्या लोग दिखाते हो तुम मुझको इस जमीन और इन औरतों का, मैं वो भारत माँ का लाल हूँ जिन पे असर नहीं तकदीरों का। मेरी तकदीरें मिल सकती है,
मैं बदल सकता हूँ, मेरी जुबान बदल सकती है, लेकिन मेरा धर्म अटल है, अटल रहेगा। और दादा ने यहाँ से निचोड़ करा है, क्या लिखा, क्या बताया, कैसे है। राजपाट अरे धन दौलत का के रौप दिखाओ सो इस हकीकत की ओ हकीकत की जान काढ़ लो हर के चाहो सो जान काढ़ लो तब दौलत का रोक दिखाओ सो इस हकीकत की ओ हकीकत की जान काढ़ लो हर के चाहो सो के राजपाट और धन दौलत का के रौप दिखाओ सो इस हकीकत की जान काट लो और क्या चाहो सो। सजनों पहले नंबर पे कहता है कि जो मेरी गैल तुम कर रहे हो ये अन्यायी हो, तुम अन्याय अपना कर रहे हो। पहले नंबर पे गिनाता है कि तुम क्या करना चाहते हो और मैं क्या चाहता हूँ, क्या लिखा, क्या बताया। खींचा तानी मेरी गला खींचा तानी दादी होर से और पतिव्रता के साथ में मेरी शादी होर से और रंज चक्कर में सुख लक्ष्मी आधी होर से भरा पड़ी मैं सड़ू कैद में बर्बादी हो रही से धरा पर चढ़ू बर्बादी हो रही से अरे बार बार इन ओ बार बार इन पाता ने तू याद दिलाओ सो अरे धन दौलत का रब दिखाओ सो और परमाननीय हमारे गुरुजी हमारे ताऊ जी विजेंद्र त्यागी जी सौ रुपये से सम्मान कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। परमाननीय हमारे चाचा जी हैं सौ रुपये से सम्मान करके गए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बारंबार धन्यवाद करता हूँ इस पूरे त्यागी परिवार का, तो जो इतना मान सम्मान इतना प्यार इतना स्नेह मुझसे रखते हैं मैं बारंबार धन्यवाद करता हूँ। क्या लिखा जा रहा है, कैसे बताए। ये कहने लगा बेड़ियों में सखड़ा हुआ था हाथी चल, कहता है कि इन बेड़ियों का वजन और कर लो, इन
कर्मों का वजन और कर लो, जो मुझे चाहना है मैं वही करके रहूंगा। ये कहता है कि जिन्हें दाम चाहिए उन्हें दाम दे दो, मुझे मेरे राम चाहिए मुझे मेरे राम दे दो। क्या लिखा क्या बता दो। गुरु ते ज्ञान लिया ना ज्ञान अधूरा सो, और सतपुरुषों के ज्ञान का भाई मैं एक सूरा सूं, और कठिन मरण ते डरता ना मैं निडर सूरा सूं, मेरा सर जाओ चाहे फड़ जाओ मैं जिनका पूरा सूं, इन पर्ची ओ पर्ची और तालों तक बने डराओ सो, शरीर के नखून उपाड़ना चाहते हो नखूने उपाड़ लो, मेरी आत्म दो को मेरे देह से अलग करना चाहते हो वो कर लो, लेकिन धर्म के अंदर अगर बार बार कहोगे तो मेरी हर बार ना मिलेगी। क्या लिखा जी श्री मंत्र क्या और मेरे पिता और मेरी माता का कोई और सहारा नहीं होगा। तुम ये चाहते हो मैं अपनी भारत माँ पे जान कुर्बान करना चाहता हूँ। तीसरे नंबर पे दादा ने लिखा है एक एक लाइन के अंदर मोती प्रो रखे है। क्या लिखा है। हेलो भारत माता एक सपूत, भारत माता एक सपूत, मैं इतना जेठा सूत, और कर्मों का मेरा भाग चांदना जाता है तासूत, और कटन मरण ते डरता को जा नेतर ढेरा सूत, और राम छोड़ के कहो खुदा। ये कहने लगा कि अगर तू कहता है मैं राम को भूल जाऊं तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि राम अभी कहा था कि जिन्हें दाम चाहिए उन्हें दाम दे दो, मुझे मेरे राम चाहिए मुझे मेरे राम दे दो। मेरे जीवन भर की तपस्या का ये परिणाम दे दो, मुझे मेरे राम चाहिए मुझे मेरे राम दे दो। बहुत अच्छे। अपनी आत्मा को निकालता है और क्या कहता क्या बताओ। माता पूत सपूत, भारत माता पूत सपूत, मैं इतना जेठा सूत, और कर्मा का मेरा भाग चांदना जाता है तासूत, और कठिन मरण ते करता ना कभी पितर देता सूत, और पिता भाग बल गौरा बका इतना बेटा बेटी हो रक्त का के
मेरे मित्र भी है, बड़े भाई झापू जी 100 रुपए से अपने बच्चे का सम्मान कर रहे हैं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद। और कहता है कि हकीकत को पकड़ते हैं सिपाही और जेल के अंदर पिटाई शुरू कर देते हैं, और कहता है कि तुम पे जितना जोर है उतना जोर लगा लो, कि तुम पे जितना जोर है उतना जोर लगा लो, मैं अपने वचन से डरूंगा नहीं, चाहे और बुला लो। क्या लिखा जाता है, क्या वैसे हो जाड़ू थारा राजपाट से, अरे राम छोड़ के कहो खुदा मेरी बिल्कुल नाक से, अरे मेरे सिंह इन जग में तब तू काना गाओ सो, इस हकीकत की बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद।
बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े अच्छे भाई हैं, वजीर साहब हरियाणा निवासी, सौ रुपए से सम्मान कर रहे हैं भाई का, तहे दिल से धन्यवाद है। बड़ा माननीय हमारी बहन जी, हमारी बुआ जी, सौ रुपए से सम्मान कर रही है, धन्यवाद। ये आपके वापसी देने हमें पता होगा तो क्यों दे रहे हो, तुम्हारा नंबर है। सभी दानी दादाओं का बारंबार धन्यवाद है, धन्यवाद, धन्यवाद। साथियों, ऐसा नहीं है क्या, जो भी साथी आए हैं यहाँ, ये मान सम्मान से आए हुए हैं, जो भी साथी आए मान सम्मान से आए हुए हैं, लेकिन उस मालन को वो लड़का फूल सिंह ऐसे ही गली में पड़ा मिल गया था, क्या बताया। और परमाननीय गुरु जी के बड़े भाई हैं विजेंद्र त्यागी जी, प्रधान जी, सौ रुपए से अपने भाई का सम्मान कर रहे हैं, तहे दिल से धन्यवाद है। और जिन्हें दानी दाताओं ने सम्मान कराया उनका तहे दिल से धन्यवाद है, और पूरे त्यागी परिवार का तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद, धन्यवाद। और गुरु जी आपसे निवेदन है, पुलिस आज भी बैठे हुए, वो कह रहे हैं माइक को थोड़ा सा नजदीक करो, तो दो कंपनियां लगी हुई है, सोनोटेक और राज कैसेट कंपनी, दोनों कंपनी लगी हुई है, चार दिन में बंगेल कंपटीशन के नाम से ये यूट्यूब पर होगा, थोड़ा सा माइक नजदीक रखो, क्या लिखा, क्या होता, कैसे चाचा का 200 रुपए से सम्मान कर रहा है, बार बार धन्यवाद है। हाँ ये तो कहते हैं कि चाचा का करा भैया का खाना, क्या लिखा, क्या बताया, कैसे
एक और जोर की बात है, पहले तो न्यू कह रहे तीन फीडिंग तू जन्म सुधर जावे, मेरे सामने तो पांच फीडी आ रही है, केला तो मेरे बेटा है और बेटा का भी पोता जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। तो ये मैं बेटा को पहले उस पोते के लिए ये 100 रुपए उस पोते के लिए, तेरे नहीं है ये, और ये 100 रुपया तूले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे। जोरदार ताली, जोरदार ताली। आइए जी, आइए आइए। हमारे दादा गुरु जी हैं ब्रह्मपाल भाटी जी, नंगला निवासी। देखिए ये 100 रुपए नहीं है, लाखों के बराबर है। जब गुरु अपने शिष्य को पैसे दे देता हो तो 1 रुपए भी लाखों के बराबर होता है। बार बार धन्यवाद करता हूँ। हमारी बुआ जी 100 रुपए से सम्मान कर रही हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। और परम आदरणीय डीपी त्यागी साहब, आपका भी बारंबार धन्यवाद, 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, बारंबार धन्यवाद है, धन्यवाद। और मेरा मेरा भाई है जितेंद्र त्यागी जी, अपने मैं क्या कहूं, हाँ अपने भांजे साहब को 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, पर गलत कर रहा है, ध्यान रखियो 100 मेरे भी बराबर के, ध्यान जरूरी है सनम, एक मुलाका तू जरूरी है सनम, रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाका जरूरी है सनम, एक मुलाका जरूरी। हमारे बड़े भाई अनिल नागर साहब गुजरा निवासी 200 रुपए से सम्मान करे हैं, पूरी मंडली का बार बार धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली से आशीर्वाद दो, जोरदार ताली से। ये ताली बोल के नहीं आती, बजा दिया करो, तालियों की जरूरत होती है कलाकार को, समझो बात को, क्या लिखा क्या दिल की भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत गिरा हो गया कैसे को, मोहब्बत गिरा हो गया कैसे को। एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली गुरु के लिए। मेरे परम आदरणीय गुरु जी किरण पाल नागर जी दुजाना से भाई एक बार जोरदार ताली बजा, 500 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। Oh,
पोते का कुआ फुजेर हमें आना पड़ा, ऐसी बात नहीं है, वो जाना पड़ता ही है। ओ जिसका हो हो शरी रोज काम का बना करे को मौका हो से सम्मान कर रहे हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद। हाजी चाचा जी, ये कलाकार तुम्हारे लिए आए हैं, यहाँ सब सम्मानित आए हैं, सुनिए गुरुजी, आप बड़े सम्मानित आदमी हो, ये कलाकार सब तुम्हारे लिए आए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी को बुलाकर और इस तरीके से करो, ये सब तुम्हारे कलाकार है, तुम्हारे लिए आए हुए। हाँ, क्या लिखा, क्या बताया, कैसे दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने हमारे भाई हैं कोकी भाई डाबरा से, वो भी 500 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, भाई का भी तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। और हमारे भाणजा राजा का भी तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या लिखा, कैसे दिमाग में तो कोई और बात थी, पर हमारे जो भाई हैं देशपाल,
उनने दो बात सुनाई थी बहुत पहले पूरनमल, तो मैं भी पूरनमल ही सुनाता हूं। यो बोली ही, 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 तेरा पूरण माले के मतलब सब मेरे
का बोला मैं आशिक सूरी इश्क करूंगा तेरे से फिर मैं बोली हीरे महाराजा तू कर मैं आग बखेरे ले और वा बोला के कसर बोला के कसर रहे जब नाक वा बोला के कसर रहे जब लागे हवा चपेरे पे ओ मेरी हुई हो पड़ी सैला महाराज मेरी तो क्रिया खराब करी करी है पर तारी तारी भी नहीं बख्शी तारे बारे में जन के कहेगा जो मेरे बारे में मैं तो उसका पिता हूं जो कहा महाराज मेरी तो क्रिया खराब करी है पर तम भी नहीं बख्शे तो राजा सलेमान चौथी बात में जो कहता है अब बताओ उसे अब मेरे बारे में क्या कही है साड़े का सीस तार दूंगा जो सुन तो बात ओहो फिर मैं बोली हे पूरन मल बोली है पूरन मरे तू तो बात करे सचाए की वा बोला मैं तो सुआ सूरी मेवा चा कुटारे की फिर मैं बोली ही मर जा चढ़ जा भेट रुखाड़े की वो तो नाड़ हलाके पई नाड़ हलाके पई नाड़ हलाके न्यू बोला मन दे सतना किस सारे लाड़ हिला के तो बोला मने दहशत न कई सारे की ओरे गुरु माने सिंह के पास लखनऊ सी के पढ़ाई ओ तेरा पुराण माल देवती न्यू कह लगी महाराज आपके एक पुत्र है
तारावती कह लगी इसको मनसा सेठ के वहां जाके गिरवी रख दो। तो मैं एक बात के द्वारा मास्टर जी गाना बजाना तो आता नहीं है अपनी अपनी चलती के मघाट किसी ने कैसे बता दिया। किसी बोलती मैं
पिता की सेवा करिए। जब आजा छोटी मेरे रे रे जब आजा छोटी मैं चले गए, लेकिन मैं तो उस समय की बात है महाभारत की। भाई बेटा रिकॉर्डिंग करिए मेरी जरूर। जब राजा बैराट की गऊ घेर ली तो वह उत्तरा कुमार और उत्तरा कुमारी दोनों अर्जुन के शिष्य थे। तो 13वें साल में थी द्रौपदी, उसने की एक काम कर, ये कृष्ण का रथवान था जो हिजड़ा है, दूसरा रथवान बना रहे, तो उसके पास में जाके और अरदास करती, कुल मिला के अर्जुन गऊ छुटा के लिया। जब गऊ छुटा के लिया उत्तरा कुमार तो रथ में बंद पड़ा, जब गऊ छुटा के लिया तो वह आरता करने के लिए कौन
रानी सुदेशना किसका मेरा बेटा लेकर आया गौ छोटा के। तो वहां जब उत्तरा कुमार के सामने आते के थाला है तो उसने क्या कही, क्या बात कही, तो उसने कहा मैं हिजड़ी का हाथ उतारू। सुदेशना ने तो थाल बगा दिया आरती का। तो वहां द्रौपदी देख रही थी तो द्रौपदी अपने पांचों बलवानों से क्या कहती है, क्या कहती कवि ने, क्या बात। हेलो 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 खड़ी खड़ी रोती गुरुजी मारोगे खड़ी खड़ी रोती यहाँ काग चुगे मोती जो मैं अस्तना पर मैं होती सजना जाना। खड़ी खड़ी रोती आज काग चुगे मोती जो मैं अस्तना पर मैं होती सजना आज जबान भरोटा बेरी
आपके लिए तो क्या कह दिया द्रौपदी, कैसे कह दिया। आज जो घर अपने होती, आज जो घर अपने होती जीत की ज्योति, आज जो अपने होती देखती जीत की ज्योति हुई, ऐसे ना ज्योति आज मेरी किस्मत ना सोती हुई, ऐसे ना आज मेरी मोती तन मॉडल टाटी मोती भाई भी है, लेकिन जो मेरे शिष्य है ना उन्होंने तो हमारी परख निकल दी एक मिनट दी का, तो ये क्या कहा चौथी कड़ी में, ये कसी प्रीत में चोरी, ये कसी प्रीत में चोरी बावड़ी हो रही, ये कैसी प्रीत में चोरी, आज मैं बावड़ी हो रही, लाल ने परखेगा चोरी रखी मिट्टी, लाल ने भोरी, लाल ने परखेगा चोरी रखी मिट्टी, लाल ने भोरी, रे गोरी रे गोरी ज्ञान का रास्ता हो ऐसी सदा सदा होए, रे गोरी ज्ञान I'm not afraid.